नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉबविद पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 1.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से 1.4 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। 1.4 एक्सरसाइज के अंदर आपके दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन आपके एक कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। इससे पहले वाले जो एग्जाम्पल है वो भी आपके इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप ये दोनों क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, साथ ही इसके जो एग्जांपल है वो भी आप आराम से कर सकते हैं, या इससे संबंधित कुछ और भी आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो क्लास आपको पूरी अंत तक जरूर देखनी है। पसंद आने पर लाइक और शेयर कर देना है। अगर आप पिछला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे ना तो ऊपर ही ऊपर आपको YouTube ज्ञान एक चैनल के नाम से आपको ऊपर ही ऊपर इसमें कमेंट मिलेगा। ठीक है, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप पिछला पार्ट है वो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट ये आपका नंबर लाइन यानी संख्या रेखा का आपका कॉन्सेप्ट है। पहले हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी, लेकिन अब थोड़ा मैं आपको और डिटेल से बता देता हूं। अब बात आती है कि नंबर संख्या है जो आपकी नंबर लाइन है, जो संख्या रेखा वो होती क्या है। दोस्तों, संख्या रेखा क्या होती है? आपकी एक रेखा होती है। इस रेखा पे हम सारे जो पूर्णांक है वो मान हम लिखते हैं, पूर्णांक इनके बीच में तो हम जीरो लिखते हैं। ठीक है, इस तरफ ये आपकी होती है राइट साइड, यानी दाईं तरफ है ना, हम क्या करते हैं इसमें जो आपके धनात्मक मान होते हैं ना, धनात्मक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको लिखते हैं। कहां तक? ये दोस्तों आपके अनंत तक चलते रहेंगे। इसके अंदर आपका 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 10 भी होगा, 20 भी होगा, 100 भी होगा, 50 होगा, यानी सारे के सारे जो आपके पूर्णांक है ना वो सभी इसके अंदर होंगे। इस तरफ हम बात करें तो इस तरफ आपके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर हो जाएंगे। नेगेटिव यानी -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार जो सारे के सारे आपके जो नेगेटिव नंबर है ना वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। आपको इस संख्या रेखा बनाते हुए आपको क्या करना है? स्केल का यूज करना है। सबसे पहले आपको स्केल को रख के पूरी स्केल है वो ड्रॉ कर लेनी है। जो बीच का पॉइंट है ना उसे आपको जीरो मान लेना है। इस तरफ आपको 1, 2, 3, 4 ये इस तरफ लिख देनी है, और इस तरफ आपको माइनस अंक है वो लिख देना है। ठीक है, अगर आपको कोई और अंकों की जरूरत होती है तो एक बार और आप स्केल लिख के यहाँ पे आगे इसको लाइन को और लिख लेना, फिर यहाँ पे जो आगे के नंबर है वो आप यहाँ पे शो कर देना। तो ये दोस्तों अपनी संख्या रेखा होती है। नंबर लाइन की जब भी बात की जाएगी तो आपके मन के अंदर या आपके दिमाग के अंदर तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि ये है वो नंबर लाइन होती है। कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया कि आपको एक रेखा खींचनी है, उसका बीच का पॉइंट है वो तो आपको क्या कर लेना है? जीरो लिख लेना है। इस तरफ राइट साइड में आपको धनात्मक जो संख्या होती है वो लिख लेनी है, और इस तरफ आपको क्या होता है? ऋणात्मक संख्या लिख लेनी है। आपको जब भी आप नंबर लाइन ये ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये लास्ट के अंदर आपको इस प्रकार का ये सिंबल लिखना जरूरी होता है। इस सिंबल का मीन्स होता है कि रेखा वो अनंत तक जा रही है, इसका मतलब कोई अंत नहीं होगा, ये अनंत तक चलती रहेगी। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, जहां तक इसमें से हम मान लेना चाहिए ले सकती है, ये वैल्यू है वो अनंत तक आपकी चलती रहेगी। तो ये आपके होते हैं नंबर लाइन, ठीक है, संख्या रेखा। अब दोस्तों मैं पूछूं कि संख्या रेखा पे आपको दो है वो कहां दिखाई दे रहा है? क्या बता सकते हो कि इस संख्या रेखा पे दो कहां पे है? मैंने सिर्फ दो बोला है तो मीन्स मैं यहाँ पे धनात्मक दो पॉजिटिव दो की बात करूं। अगर मैं माइनस दो बोलता तो यानी कि मैं माइनस दो की बात करूं, तो मैंने दो बोला है तो मैं आपसे पॉजिटिव जो नंबर दो है उसकी बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे कि सर दो नंबर है ये यहाँ पे है, दो है संख्या रेखा पे यहाँ पे है। ठीक है, आप बता सकते हो। मैं पूछूं जीरो कहां पे, तब आपका आंसर होगा कि सर ये रहा जीरो। माइनस दो कहां पे है, तब आप बोलोगे सर ये माइनस दो है। माइनस पांच, तो ये माइनस पांच है। मैं बोलो माइनस बीस, तब बोलोगे सर आप इस तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 10, इस प्रकार चलता चलता कहीं ना कहीं एक संख्या क्या आएगी यहाँ पे? माइनस 20 आएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं तीन कहां पे, तब आप बोलोगे सर ये रहा तीन। मैं पूछूं पांच, तब आप बोलोगे सर ये रहा पांच। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? मैं बोलूं क्या इस संख्या रेखा पे 100 है क्या, तब आप बोलोगे सर ये संख्या रेखा अनंत तक जा रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 100 भी मिलेगा। मैं बोलूं 1000 है क्या, तब बोलो सर आप 100 से जैसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे यहाँ पे 1000 भी आएगा, लाख भी आएगा, सब संख्याएं वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैं पूछूं 10, तो बोलो सर आप बोलोगे सर इतनी संख्या आ रही है तो 10 कौन सी बड़ी बात है, सभी की सभी संख्या आएगी, तो मीन्स यहाँ पे 10 भी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सभी संख्या पर क्या है? सभी नंबर होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 5 कहाँ पे है, 0 कहाँ पे है, -3 कहाँ पे है। आपसे पूछा जाए तो आप ये इजिली बता सकते हो कि आप तो देखते ही बता सकते हो कि -3 तो ये रहा, 0 ये रहा,
तीन ये रहा, दो ये रहा, चार ये रहा, ठीक है, ये तो आप देखते ही बता सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं, क्या बता सकते हो क्या 1.5 कहां पे संख्या रेखा पे, बता सकते हो क्या, कमेंट करके बता दो कि 1.5 कहां पे संख्या रेखा पे। तब आपका आंसर होगा कि सर 1.5 है ना, ये क्या है, एक से तो बड़ा होता है लेकिन दो से क्या होता है आपका, छोटा होता है। एक से तो बड़ा होता है, दो से छोटा होता है, मीन्स ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपना मान होगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं पूछूं, आप मेरे को बताइए 5.1 कहां पे है, मैं बोलूं 5.1 कहां पे है, तब आपका आंसर होगा कि सर 5.1 का मीन्स ये 5 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक पॉइंट और लगा के 6 लिख देना है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इन दोनों के मध्य आपको वैल्यू है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूं 0.3 कहां पे है, 0.3 कहां पे है, तब आप बोलोगे सर 0.3 का मीन्स ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 0.3 वो क्या है आपका, 1 से छोटा है, तो इन दोनों के मध्य वैल्यू आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि 3.1 कहां पे है या 3.2 कहां पे है, ठीक है, 3.6 कहां पे है, तब आप बोलोगे सर ये 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, ये भी 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो यानी इन दोनों के मध्य मान हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही अपने इस चैप्टर के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। आपको क्या करना है कि इनका जो मान है ना वो बताना है, बताना किस तरह से, आपको उत्तरोत्तर आवर्धन करके मीन्स इनको जूम कर करके आपको ये मान है वो निकालना होगा। कैसे कि आपको 2.3.2 कहां पे आप देखते ही बता दोगे कि सर ये मान है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के मध्य होगा, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करके लिख के हम इनका मान है वो बता सकते हैं, 3.2 इन दो के मध्य होगा। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि 2.665 है, ये आपको कहां पे मिलेगा, तब आपके मन में ये तो आ जाएगा, ठीक है, कि सर ये आपका 3 से तो बड़ा है, 2 से तो बड़ा है, 3 से छोटा है, यानी वैल्यू है तो इन दोनों के मध्य है कहां पे, एकदम आपको टू द पॉइंट बताना कि वैल्यू है कहां पे। ये तो हमें पता है कि 2 से तो बड़ी है, 3 से छोटी, यानी इन दो के तो मध्य है ही अपना वैल्यू, लेकिन एकदम ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, किस पॉइंट पे ये वैल्यू है वो आपको बतानी है। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको बोला जाए 3.1256, तब आप बोलोगे सर ये वैल्यू 3 से तो बड़ी है, 4 से छोटी है, मीन्स इन दोनों के तो मध्य है, आपको देखते ही पता चल गया इन दोनों के तो मध्य ये वैल्यू होगी। अब मैं पूछू आगे कहां पे कौन सा पॉइंट होगा, इनमें से ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है, इनके मध्य तो अनंत संख्या है, दो संख्याओं के मध्य, दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत संख्या होती है, ये क्या आपकी प्रमेय तो संख्या है, सभी की सभी प्रमेय संख्या भी तो है। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी पूर्णांक संख्या होती है क्या होती है, प्रमेय संख्या भी होती है। किस प्रकार कि मान लीजिए कि दो है, क्या दो प्रमेय संख्या गया, तब आपका आंसर होता है दो प्रमेय संख्या। कैसे कि दो के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ये क्या बन गया आपका पी बटा क्यू बन गया। इसी प्रकार सभी संख्याओं के नीचे हम एक लिख सकते हैं, तो एक लिखते हैं क्या होगी, सभी की सभी आपकी संख्या वो प्रमेय संख्या है, और दो प्रमेय संख्याओं के मध्य अनंत प्रमेय संख्या होती है, यह भी मैं आपको पहले बार 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 बता चुका हूं। तो यानी यह भी आपकी क्या एक प्रमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत है, तो यह आपकी क्या एक प्रमेय संख्या है, तो यह क्या होगी इन दोनों के मध्य कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। तो यह एकदम टू द पॉइंट कहां पे वो हमें इस एक्सरसाइज के अंदर यह बताना है, ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके मीन्स इसको जूम कर कर करके यह हमें बताना है कि पॉइंट एकदम कहां पे अपना नंबर लाइन पे, तो ये आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपको जूम कर करके आपको बताना था, जिस प्रकार आप अपनी फोटो को जूम करते हो ना कभी आपने अपनी फोटो सेल्फी लेकर आपने उसको जूम की होगी, जूम करके आप देखते हो ना चेहरा कैसा है, ठीक है, चेहरे पे कौन सा कोई दाग धब्बा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसी प्रकार इसको भी हमें क्या करना होता है, जूम करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पे आपको क्या शो करना है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके आपको संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है 3.765, इसको आपको संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा लिख देता हूं। इसको आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हटा रहा हूं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको वैल्यू क्या दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है 3.765। अब ये वैल्यू आप देखते ही बता दोगे कि सर ये 3 से तो बड़ी है, 4 से छोटी है, 3 से तो बड़ी है, 4 से छोटी है, मीन्स क्या ये मान इन दोनों के मध्य होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, जूम करते हैं।
जूम करेंगे तो हमें क्या करना है कि इस तरफ तो हम क्या करेंगे, अब इन इसको जूम करें, सिर्फ और सिर्फ हम इस भाग को जूम करें, तो जूम मतलब इसको हम बड़ा करें, तो इस तरफ तो हमें क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, इस तरफ हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझना है, ये 3 है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0. ठीक है, 3.0 लिख सकते हैं, 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 4.0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हम इसको तो हम लिख सकते हैं 3.0, ये भी इसको हम लिख सकते हैं 4.0। अब इसके मध्य आपको क्या करना है, पूरा इसको 10 भागों में बांटना है, बराबर 10 भागों में बांटोगे तब आपका यहां पे क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। ठीक है, आपको क्या करना है, मानो स्केल की सहायता से आपको करना है, आपको स्केल है वो रख के आपको 10 पॉइंट ले लेने, एक तरफ आपका 3 हो जाएगा, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बीच में ये मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मान रखना है। ये दोस्तों आपको कैसे आया मान, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये क्यों रखा। प्रत्येक बार आपको क्या करना है, जब भी आप एक नंबर को जूम करें ना, उसे 10 भागों में तोड़ना है, किसी भी एक नंबर को आप जब भी जूम करोगे ना, उसे 10 भागों में तोड़ना है। तो हमने 3 और 4 को जूम किया, तो इसको हम क्या कर दिया, 10 भागों में जोड़ दिया। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। तो आप इसको एक बार 30 मान लीजिए, 30 के बाद में क्या आता है आपका, 31 आता है, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसको लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको दर्शाना था कि 3.765 है वो कहां पे होगा, आगे के मान कितनी, हमें पॉइंट के बाद में हमारा क्या है, 7 है, 3.7 है, तो 3.7 है वो ये रहा। ठीक है, 3.7 आपका पूरा थोड़ी दिए गए, 3.7 के आगे कुछ और भी मान है, कुछ और मान है, तो मीन्स ये आपका क्या होगा, 3.7 से तो बड़ा होगा, लेकिन 3.8 से क्या होगा आपका, छोटा होगा। यानी कि जो आपने आगे की जो वैल्यू है ना, इन दोनों के मध्य की होगी, इन दोनों के मध्य की, मीन्स है कि हम क्या करेंगे, अब इसे जूम करेंगे। चलिए अब इसे जूम कर लेते हैं, अब इसे जूम करेंगे तो आपको एक तरफ तो क्या लिख देना है, 3.7 लिख देना है, एक तरफ आपको क्या लिख देना, 3.8 लिख देना, जो है ना उसी तरफ लिखना है। ये 3.7 इस तरफ है, इसे आपको इस तरफ लिखना है, 3.8 इस तरफ है तो आपको इसे इस तरफ लिख देना है। अभी आपको इसे भी बराबर भागों में आपको बांटना है, बराबर भागों में किस प्रकार बांटना है, किसके आगे हम एक जीरो लगा देते हैं, 3 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 7 जीरो। ठीक है, इसे हम 70 बोल देंगे एक मिनट। ठीक है, ये आपका इस तरफ क्या हो जाएगा, 3.80 यानी 3.80 हो गया। इस तरफ आपका 3.70 है, इस तरफ आपका 3.80 है। 70 और 80 के मध्य क्या आते हैं, आप आराम से बता सकते हो ना, चलिए कमेंट करके बताएं, 70 और 80 के मध्य आपका क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इनके मध्य क्या क्या आएगा, 3.71 आएगा, 3.72 आएगा, 3. आपका 73 आएगा, 3. आपका 74, 3.75, 3. आपका 76 होगा। ठीक है, 3.77 होगा, 3.78 होगा। ठीक है, 3.79 होगा, फिर आपका ये 80 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, 3.7 और 3.8 के मध्य की वैल्यू है, इन दोनों को हम जूम करेंगे तो इन दोनों के जो मध्य की वैल्यू होगी वो आपकी ये वैल्यू रहेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ज्यादा, आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इन नंबरों को जूम करते हुए चलना है। इस तरफ से हमने इसको जूम किया, इस तरफ आपका 3.7 आ गया, इस तरफ आपका 3.8 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या बोला जा रहा है कि 3.765, तो आगे क्या है, पॉइंट के बाद में 7.6, तो आपको देखना है 7.6 आपको कहां पे दिख रहा है, इस नंबर लेखा पे, ये रहा 3.76, तो आपका मान ये रहा, लेकिन ये अपना 3.76 थोड़ी, इसके आगे आपका क्या है, 5 भी है, तो यानी कि मान है क्या होगा, इन दोनों के मध्य होगा। ये आपका मान क्या होगा, 3.76 से तो बड़ा होगा, और 3.77 से मान क्या होगा, छोटा होगा। तो मान क्या होगा, इन दोनों के कहीं ना कहीं आपको मध्य को देखने को मिलेगा। तब क्या करते हैं, इन दोनों को हम जूम कर लेते हैं, इन दोनों को हम जूम करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 3.76 है, 3.76, और इस तरफ आपको क्या है, 3.77। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, जूम करना है, जूम करना है, इनको हम 10 भाग इसके बनेंगे। ठीक है, तो 10 भाग बनेंगे ना, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। 3.76 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.760 यानी 60 हो गया, 3.77 यानी 770, और ये क्या आपका 760 है। हमें इसको 10 भागों में बांटना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 3.761 हो जाएगा। ठीक है, 761 हो गया, फिर आपका 762 आ जाएगा, 700, फिर आपका 63 आ जाएगा, 700 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा,
फिर आपका क्या हो जाएगा 765 आ गया। फिर आपका 3.766 है, 3.767 है, 3.768 हो गया, 3.700 गुणेतर हो जाएगा और इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इन दोनों को हम जूम किया तो ये मान हमारे पास क्या आ रहे, ये मान आ रहे। अब हमें क्या बताना था, आप आराम से देखें तो हमें यही तो बताना था 3.765 यानी 765 बताना था। तो ये 760 और 770 के मध्य कहीं ना कहीं आपको 65 देखने को मिल रहा होगा। तो 65 आपको कहां देखने को मिल रहा है दोस्तों, 65 ये रहा, ये वैल्यू आपको 65 देखने को मिल रही है ना, यही तो हमें आपको डिफाइन करना था। इनको हमें जूम कर करके क्या निकालना था, 3.765 निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। यही अपना आंसर होगा। इसे आपको कोई एक बिंदु मान लेना है, मान लिए कि हमने ए से बिंदु ए मान लिया तो अपना बिंदु ए क्या है, अपना बिंदु ए हो जाएगा 3.765, ये अपना आंसर रहेगा। ये दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट था, इन्हें जूम करना था और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको बताते हुए चलना था, ठीक है। सबसे पहले आपको जो दिया जाए वो देखना है किन दो मानों के मध्य है, पहले उन दोनों को जूम करना होता है, फिर उनके मध्य आपको 10 पॉइंट है वो लिखने होते हैं, इसे 10 भागों में बांटना है, ठीक है। फिर जो भी मान वापस जिन दो के मध्य है उन्हें फिर वापस जूम करते हुए चलना है, ठीक है। एक एक मान है वो आपको आगे बढ़ना है। हमने 3 और 4 को जूम किया था तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे। फिर हमने 3.7 और 8 को जूम किया था तो इसमें हमने 2 पॉइंट बढ़ाई है। फिर इनका 2 को हमने जूम किया तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ाए। इसी प्रकार आपको ये सोल्व करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रफ कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको इसी प्रकार संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है, लेकिन इस बार क्या है आपको दशमलव के 4 अंकों तक दर्शाना है, 4 दशमलव स्थान तक आपको संख्या रेखा पे एक नंबर को दर्शाना है। वो नंबर कौन सा है, चलिए अभी हम उसी पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप एक बार जरूर करें, वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर है वो जरूर निकालें। दोस्तों आपको अगर क्लास पसंद आती है, मेरे द्वारा आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में प्लीज यस जरूर करें, ठीक है। हमेशा आपको यस करना है, ये आपको बोलना ना है, पर अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो ना तो आप हमेशा यस करते रहें। अगर आप पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब वो भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा, इसमें आपको क्या थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अलग आपको क्या देखने को मिला, आपको बोला जा रहा है कि आपको 4.26 के ऊपर बार है, 2.6 के ऊपर बार है, इसका मींस क्या है, आपका 2.6 कितनी बार रिपीट होगा, ये अनंत तक रिपीट होता रहेगा, इसका कोई भी एंड नहीं है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2.6 के ऊपर बार का मतलब है ये 2.6 है वो बार 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 आता रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, बोला जा रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक, क्वेश्चन में आपने पढ़ा हुआ 4 दशमलव स्थान, 4 दशमलव स्थान मीन्स 1 दशमलव स्थान, 2, 3, 4, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां तक इसका वैल्यू है वो फाइंड करके बतानी है। इसको जूम करते 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 हमें यहां तक ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको 4 तक आपको दर्शाना है। अगर आपको 6 तक बोला जाए तो आपको यहां तक ले जाना है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 1 दशमलव पॉइंट तक तो आपको 1 दशमलव स्थान मीन्स यहां पर ले जाना है। लेकिन अभी हमें कितना बोला गया, अभी हमें 4 का बोला गया, तब यहाँ पे 2.6 तक यहाँ पे इसे हम शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, 4.26, ठीक है, 2.6 इसको हमें बताना है, 4 दशमलव स्थान हमने ले लिए तो ये आपका क्या है, 4 से तो बड़ा होगा, 5 से क्या होगा, छोटा होगा, ये 4 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो मीन्स ये वैल्यू कहीं ना कहीं इन दो के मध्य होगी, इन दो के मध्य कहां पे है वो हमें जूम करने पर पता चलेगी, ठीक है। ये तो हम दोस्तों पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तब आपको एकदम अच्छी तरह से ये बातें चिर परिचित हो गई होगी, अब आपको ये बातें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रही है, ठीक है। बेसिक में हमने बात कर ली थी तभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था, इसे 4 दशमलव तक हमें शो करना है, यानी ये मान हमें नंबर लाइन पे हमें कहीं ना कहीं दर्शाना है कि मान कहां पे है। तो ये मान हमें पता चल गया कि 4 और 5 के मध्य है, तो ये लीजिए हमें 4 और 5 को हम क्या करेंगे, इनको जूम करेंगे, इनको जूम करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक साइड तो हम 4 ले लेंगे, एक साइड अपना क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब इन दोनों को जूम करेंगे तो इनके मध्य हम क्या करते हैं, 4.0, ठीक है, 5.0, यानी इसको हम संख्या रेखा पे हम क्या करेंगे, दोनों के मध्य 10 स्थान लेंगे, तो यानी कि 4.1 हो गया, 4.2 है, 4.3 है, 4.4, 4.5, 4.6, पूरा आपको है दोस्तों ये स्केल की सहायता से करना है,
आपको ऐसा नहीं है कहीं पे भी बिना स्केल की सहायता से आप कर रहे हो, आपको पूरा स्केल की सहायता से करना है। प्रत्येक आपका पॉइंट है वो फिक्स होगा, ठीक है। मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है तो मैं थोड़ा सरफ मेरा हो रहा है वर्क, ये पर आपको एकदम प्रॉपर स्केल की सहायता से ये वर्क है वो करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, तीन चार और पांच को हमने जूम कर लिया, चार और पांच को जूम किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 40 के बाद में 41, 42, 43, ठीक है, 50 से पहले 49 तक ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। आगे हमें क्या बताना है, चार पॉइंट दो बताना है, पॉइंट के बाद में हमें दो बताना है, तो यानी पॉइंट के बाद में ये रहा दो। अगर पॉइंट दो का बोला जाता हमें तब तो हमारी वैल्यू ये हो जाती, लेकिन पॉइंट दो के आगे कुछ और भी है, कुछ और भी है, तो यानी ये दो से तो बड़ा होगा और इसे आगे वाले नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, तो यानी ये वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इन दो के मध्य है अपनी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जूम करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो एक तरफ तो अपना क्या हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये आपका 4.3 हो गया, 4.3 है, तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा लिख देती है, ये लीजिए आपकी संख्या रेखा, ये 4.2 है मीन्स ये क्या है 4.20 है, ये 4.3 है मीन्स ये क्या है 4.30 है। आप 4.20 और 4.30 के मध्य की आप संख्या इजीली लिख सकते हो, 4.21 होता है, 4.22 होता है, 4.23 होता है, 4.24 होता है, 4.25 होता है, 4.26 होता है, 4.27 होता है, ये आपका 28 होगा, 4.28 होगा और 4. आपका 29 होगा, 29 के आगे क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। हमने 4.2 4.3 को जूम किया है तो ये अपना जूम करने के बाद में हमें मिला है, ठीक है। तब आगे क्या करना है आपको देखना है, दो के बाद में क्या है 6, यानी आपको 4.26 देखना है कहाँ पे है, तो 4.26 ये तो क्या है 3 है, 4.5 है, ये रहा दोस्तों 4.26, ठीक है, ये रहा आपका 4.26, ये तो आपका 4.26। अगर आपको एक ही बार बोला जाता कि आपको 4.26 बताना है तब तो यह अपना आंसर हो जाता, लेकिन हमें क्या और है आगे और भी वैल्यू उसे भी बताना है, तो मीन्स ये मान है इससे तो बड़ा होगा, नेक्स्ट वाले पॉइंट से क्या होगा छोटा होगा, तो यानी वैल्यू कहीं ना कहीं इन दो के मध्य होगी, तो हम इन दो को हम जूम कर लेते हैं। इन दो को जैसे हम जूम करेंगे, इन दो को हम जूम करेंगे तो हम यहाँ पे तो क्या लिख देंगे 4.26, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4.27। अब इन दो के मध्य हम जूम करें तो ये मान कितना आपका 4.260 है और ये कितना है आपका 4.270 है। चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं और इनके मध्य ये मान है वो रख देते हैं, तो 60 के आगे क्या होता है दोस्तों 61 आता है, तो यानी 4.261 आ जाएगा, फिर क्या आता है आपका 62 आता है, तो 4.262, फिर आपका 63 आता है तो 4.262, 3 आ जाएगा 62 के बाद में 63, फिर आपका क्या आता है 64 आता है। यहीं पे दोस्तों आपका थोड़ा सी क्या होता है माइनर मिस्टेक होती है, इन्हीं का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये माइनर मिस्टेक है वो कहीं ना कहीं हो जाती है जिससे अपना क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, तो आपको इन्हीं का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपने क्या 4.267 4.268, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा 4.269, फिर ये आपका क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा। इसके अंदर हम इसमें एक और ऐड करेंगे तब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो ये दोस्तों इसको हमने बराबर भागों में डिवाइड कर लिया, मेरा थोड़ा सा फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्केल नहीं है तो थोड़ा पॉइंट है वो आगे पीछे रफ वर्क हो रहा है, आपको एकदम प्रॉपर स्केल की सहायता से करना है। अब आपको आगे देखना है कि 4.26 आपको इस मान में कहां पे दिखाई दे रही है, अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो 4.26, ठीक है, 4.26 और ये दोस्तों आप देख लीजिए वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 4.262, यहाँ पे वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी का बोला जाता तब तो ये मान हमारा ये हो जाता, लेकिन इसके आगे और भी है वैल्यू, तो यानी ये मान है इन दो के मध्य होगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी अपनी इन दो के मध्य होगी 4.26 और 4.263, इन दो के मध्य क्या होगी अपनी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं अब इन्हें जूम करते हैं, इन्हें जूम करेंगे तो एक तरफ तो आपका क्या है 4.262 है, ठीक है, इस तरफ आपका क्या हो जाएगा 4.263 हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.2630, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.2602, यानी 20 और 30 के मध्य आपको संख्या लिखनी है, 20 और 30 के मध्य जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सबसे पहले 21 आएगा, यानी 4.26 21 हो गया, ठीक है,
फिर आपका क्या आएगा 22 आएगा। दोस्तों आपको ये मान है वो नीचे लिखना है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम रह रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है 22 है, ये आपका क्या है 4.2623 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 4.2, 4.2624, फिर आपका कितना है 4.2625, 4.2 6, फिर आपका कितना हो जाएगा 2 6, आगे कितना आ जाएगा 4.2627, आगे हो जाएगा 4.2628, आगे हो जाएगा 4.2629, और ये आपका फिर 30 आ जाएगा, ठीक है। 29 के बाद में 30 आ गया। अभी दोस्तों आप इसमें देखें कि हमें क्या शो करना था, हमें यही तो बताना था कि 4.0262 कहां पे है, ठीक है। 2626 कितना ये इस लाइन पे कहां पे है, आप देखोगे कि ये रहा, ये कितना है 4.2626, ये तो दोस्तों इसी पॉइंट पे अपना मान है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, कोई पॉइंट ए या बी मान लेंगे, तो पॉइंट ए है वो अपना मान कितना है 4.2626 की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ए की अपनी वैल्यू रहेगी। तो ये इस प्रकार ही आपको बताना था, ठीक है। सबसे पहले जो अपने दिया गया था इसे 4 दशमलव संख्या तक हमें बताना था, ये अपना वैल्यू 4 और 5 के मध्य है, तो हमने 4 और 5 को जूम कर लिया, इसे बराबर 10 भागों में बांटा, फिर ये वैल्यू इन 2 के मध्य है तो इसे हमने जूम कर लिया, फिर ये वैल्यू इन 2 के मध्य है तो इसे हमने जूम कर लिया, फिर ये वैल्यू है वो इन 2 के मध्य निकली, तो हमने क्या कर लिया इन दोनों को जूम कर लिया, तो फिर ये वैल्यू हमारी इस पॉइंट पे अपनी वैल्यू आई है। तो ये अपना पॉइंट मान लिया कि हमने ये पॉइंट ए है जो कि किसको डिनोट करे, 6 को ये पॉइंट है वो डिनोट करे। तो ये दोस्तों आपकी 1.4 एक्सरसाइज है, वो इस क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपनी 1.5 जो एक्सरसाइज है वो इसे करेंगे, तो तब तक के लिए आप इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट पार्ट हम और बेहतरीन आपके लिए और अच्छा कर पाएं, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करने की कोशिश करें, पसंद आ रही है तो कमेंट में आप यस जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको क्लास पसंद आएगी, आपके लिए अच्छी रही होगी, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और जरूर करें। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।